समझ लो तुम्हारे दोस्त का पीछा कुछ चोर कर रहे हैं और वो दोस्त तुम्हारे घर में आके छुप जाता है और वो चोर तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हें एक फ़ोटो दिखाते हैं यानी तुम्हारे दोस्त की और तुमसे पूछते हैं कि बताओ क्या ये आदमी तुम्हारे यहाँ पे छुपा हुआ है। तो बताओ तुम क्या जवाब दोगे? तुम में से बहुत सारे लोग बोल देंगे कि नहीं मेरे यहाँ पे कोई नहीं छुपा हुआ ऐसा, और यहाँ पे तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने झूठ बोल के अपने दोस्त को बचा लिया, लेकिन इमैनुअल कांट के अनुसार तुम अपने दोस्त को अगर झूठ बोलकर बचा रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में सही जवाब क्या होगा और क्यों इमैनुअल कांट ने कहा कि ये गलत है, वो तो हमें इमैनुअल कांट की फिलॉसफी समझने के बाद ही पता चलेगा। इंसान के पास सोचने और समझने की ताकत होती है और उसके अनुसार एक्ट करने की भी ताकत होती है, पर यह बात केवल उन लोगों पर लागू होती है जो आज़ाद हो चुके हैं। हमारे जैसे आम लोगों पर यह बात लागू नहीं होती। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों हम फ्रीली एक्ट नहीं कर पाते? क्योंकि जो भी बिहेवियर है, डिज़ायर हमारी सोसाइटी है, हमारी बायोलॉजी से आ रहा होता है, और जब हम उसे पूरा करने के लिए निकल जाते हैं तब हम फ्रीली एक्ट नहीं कर रहे। जैसे समझ लो तुम्हें भूख लगी है और फिर तुम आइसक्रीम की दुकान पर चले जाते हो और वहाँ पर जाकर तुम्हें चार ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें पहला होता है चॉकलेट, वेनिला, स्ट्रॉबेरी और मैंगो, और तुम उन चारों में से एक फ्लेवर को चूज़ करते हो, तो क्या तुम कह सकते हो कि तुम फ्रीली एक्ट कर रहे हो जबकि तुम अपनी डिज़ायर्स पर एक्ट कर रहे हो? तुम केवल इतना ही चूज़ कर रहे हो कि तुम उस डिज़ायर को कैसे पूरा करोगे, पर तुम अपनी डिज़ायर के गुलाम ज़रूर हो। और इसी तरह के एक्शन को इमैनुअल कांट हेटरोनोमस एक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हेटरोनोमस एक्शन का। समझ लो तुम और तुम्हारा दोस्त साथ में एक रूम में रहते हो, तुम्हारी सुबह सुबह आँख खुलती है और तुम देखते हो कि तुम्हारा दोस्त पढ़ाई कर रहा है। तुम उससे पूछते हो कि क्यों पढ़ाई कर रहा है तू? वो बोलता है कि कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स के लिए। फिर तुम पूछते हो कि कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स क्यों चाहिए? तो वो बोलता है क्योंकि अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम कहते हो अच्छी नौकरी क्यों चाहिए? तो उसका जवाब होता है अच्छे पैसों के लिए। अच्छे पैसे क्यों चाहिए? क्योंकि मौज करनी है। यानी इन सब में से ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम उस काम के लिए ही कर रहे हो। सारे कामों को तुम एक मीडियम की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कुछ पाने के लिए। और इसी पर इमैनुअल कांट कहते हैं, व्हेन वी एक्ट हेटरोनोमसली वी एक्ट फॉर द सेक ऑफ एंड्स गिवन आउटसाइड अस, वी आर इंस्ट्रूमेंट नॉट ऑथर्स ऑफ द पर्पस वी परस्यू। तो आज़ाद होने का क्या मतलब हुआ? आज़ाद तुम जब हुए जब तुम जो भी करो वो अपने आप में अंत हो, ना कि तुम उसे कुछ और पाना चाहो। जैसे जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वो तुम इसलिए भी कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हें पढ़ाई अच्छी लगती है, और जब तुम इसलिए पढ़ाई करते हो क्योंकि वो तुम्हें अच्छी लगती है तो उस समय तुम उससे कुछ चाहते नहीं, तुम पढ़ाई को एज अ मीडियम यूज़ नहीं कर रहे हो। और इसी तरह के एक्शंस को इमैनुअल कांट ऑटोनोमस एक्शन कहते हैं। व्हेन वी एक्ट ऑटोनोमसली अकॉर्डिंग टू द लॉ वी गिव आवरसेल्व्स वी डू समथिंग फॉर इट्स ओन सेक एज एन एंड इन सेल्फ वी सीज टू बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पर्पस गिवन आउटसाइड अस। दिस कैपेसिटी टू एक्ट ऑटोनोमसली इज वॉट गिव्स ह्यूमन इट्स लाइफ स्पीड डिग्निटी इट मेक्स आउट द डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड थिंग्स। समझ लो तुम एक ब्रिज पर खड़े हो और जब तुम ब्रिज से नीचे देखते हो तो तुम्हें दिखाई देता है कि एक ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही है और उस ट्रेन की पटरी पर 10 लोग काम कर रहे हैं। ट्रेन हॉर्न बजा रही है पर किसी को सुनाई नहीं दे रहा। तभी तुम्हें दिखाई देता है कि तुम्हारे बगल में एक बहुत मोटा सा आदमी खड़ा है। अगर तुम उसे ब्रिज से धक्का दे दोगे तो वो सीधा पटरी पर जाकर गिरेगा और ट्रेन रुक जाएगी और 10 लोगों की जान बच जाएगी पर वह मोटा आदमी मर जाएगा। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला कि तुम उस मोटे आदमी को धक्का दे दो और एक की जान चली जाए और 10 की बच जाए, या 10 लोगों की मौत हो जाए। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बताओ तुम क्या करोगे? अगर तुम यूटिलिटेरियन हो तो देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी कि तुम उस आदमी को धक्का दे दो, क्योंकि यूटिलिटेरियन पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। यानी ऐसा काम करो जिससे ओवरऑल प्लेजर बढ़े और पेन कम हो। यानी 10 लोग मरेंगे तो ज़्यादा दुख होगा, लेकिन एक आदमी मरेगा तो कंपैरिजन में कम दुख होगा। तो अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म तुमने यहाँ पे कुछ गलत काम नहीं किया,
और इसी तरह की फिलॉसफी को इमैनुअल कांट अपने दिल से क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से तुम खुद को एज अ मीन्स यूज नहीं कर सकते, उसी तरह से तुम किसी भी इंसान को एज अ मीन्स या मीडियम की तरह यूज नहीं कर सकते। इमैनुअल कांट के अनुसार सही काम का पहला क्राइटेरिया है मोटिव, यानी तुम्हारा मोटिव क्या है उस काम को करने के पीछे, वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा काम गलत है या सही। समझ लो, दुकानदार के वहाँ एक छोटा सा बच्चा आता है और वो दुकानदार से 1 किलो चावल मांगता है। दुकानदार सोचता है कि इस बच्चे को प्रेजेंट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर चावल दे देता हूँ, पर वो रुकता है और उसे रियलाइज़ होता है कि अगर वो इस समय इस बच्चे से ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो हो सकता है कि भविष्य में लोगों को इसके बारे में पता चल जाए और उसकी सेल्स कम हो जाए, तो वह बच्चे से ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं करता। तो इस दुकानदार ने काम तो अच्छा किया, पर उस काम के पीछे जो मोटिव था वो था उसका लालच और उसका फ़ायदा। तो इमैनुअल कांट कहेंगे कि दुकानदार, तुमने काम तो अच्छा किया पर यह काम सही नहीं था, क्योंकि तुम्हारा मोटिव गलत था। अगर किसी इंसान के इरादे अच्छे अनेक हो तो भले ही अंजाम कुछ भी आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इमैनुअल कांट कहते हैं, A goodwill is not good because of what effect it accomplishes. It is in itself whether or not it prevails. Even if this will is entirely lacking power to carry out intentions, if by its utmost effort it is still accomplishes nothing, even then it will still shine like a jewel for its own sake as something which has its full in itself. इमैनुअल कांट के अनुसार केवल दो मोटिव वैलिड हैं। अगर तुम इन मोटिव्स के अनुसार एक्ट करते हो तो तुम्हारा अच्छा काम सही काम बन जाता है और उसमें एक मोरल वॉर्थ आ जाती है, जिसमें से पहला है लाइफ प्रिजर्वेशन, यानी तुम अगर कोई काम अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हो तो तुम वह काम सही कर रहे हो। जैसे अगर तुम्हारे ऊपर कोई जानलेवा हमला करे तो तुम उसकी जान भी ले सकते हो। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। समझ लो कोई इंसान जो जीना नहीं चाहता, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब चल रहा है, पर वो मरने की बजाय उन सिचुएशन से लड़ता है, नाउ हिज एक्शन हैज सम मोरल वर्थ। और जो दूसरा मोटिव है वो है ड्यूटी, यानी कर्तव्य। समझ लो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है और तुम डिसाइड करते हो कि तुम गरीब लोगों की मदद करोगे, जिनको भी ज़रूरत होगी तुम उन्हें मदद करोगे। अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है और जब तुम मदद कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारा काम अच्छा है, पर अभी तक उस काम में कोई मोरल वर्थ नहीं है। क्योंकि क्या होगा अगर तुम्हारे पास पैसा ख़त्म हो जाए, क्या होगा अगर तुम्हारी सिचुएशन ख़राब हो जाए, तब भी क्या तुम मदद करोगे? तो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग होंगे वो भाग जाएंगे कि नहीं, मेरी हालत खुद ख़राब है, मैं क्यों मदद करूं? अगर तुम ड्यूटी पर चलोगे तो तुम उस गरीब इंसान की मदद करोगे, भले ही तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो। इस सिचुएशन में डिसाइड होगा कि तुम्हारे कर्तव्य में कितना दम है और उस सिचुएशन में तुम्हारे काम में मोरल वर्थ आएगी, तुम्हारा काम सही बनेगा। इसी बात को श्वेता गैंगवार काफी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं। पहली चीज, जिंदगी में उसूल या प्रिंसिपल तब प्रिंसिपल होता है जब आपकी फटी होती है उस टाइम पे आप लगाते हो उसको। कन्वीनियंस पे उसूलों को उसूल नहीं कहते। पौराणिक पूरी इतिहास पढ़ोगे तो बहुत सारे लोगों तुम्हें मिलेंगी कथाएं जहाँ पे जो बगल वाला था तुम्हारा, जो भाई कहता था तुम्हें, तुम्हारा दोस्त कहता था हाँ हाँ उसूल 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 उसूल, वही इंसान फिर पैसा लेके एक इन्वेडर आता था बेच देता था उनको। तो पहली चीज हम ये क्लियर कर देते हैं, आप प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपका प्रिंसिपल जो है ना जिसको आप कहते हो उसको आप पतंग बना रहे हो बस और दिखा रहे हो लोगों, देखो मैंने पतंग बनाई है। तो इसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि ये कैसे डिसाइड हो कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत, क्योंकि हो सकता है कि तुम एक डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रिलीजन से आ रहे हो और जो तुम्हारे लिए सही हो वो मेरे लिए गलत हो और जो मेरे लिए सही हो वो तुम्हारे लिए गलत हो, ये सब हो सकता है। इसी पर इमैनुअल कांट काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हम सब एक रैशनल बींग्स हैं, अगर हम सब अपनी सोचने और समझने की शक्ति का इस्तेमाल करें तो हम सब एक ही कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। तो इसीलिए इमैनुअल कांट ने एक कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव दिए और इसी वजह से इमैनुअल कांट ने यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज किया। यूटिलिटेरियनिज्म के अनुसार इंसान प्लेजर की तरफ भागता है और पेन से दूर भागता है और वो सारे काम सही हैं जो ओवरऑल प्लेजर को बढ़ाएं और पेन को कम करें। पर इमैनुअल कांट कहते हैं कि इंसान इतना ही नहीं है, पेन और प्लेजर से भी ऊपर की एक चीज़ है इंसान के पास,
वो है सोचने और समझने की शक्ति। यानी इंसान एक रैशनल बीइंग है और इसी समझ का इस्तेमाल करके वो सही और गलत में अंतर कर सकता है। तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का पहला रूल ये है कि जो भी तुम करो और जो भी तुम उसके पीछे के रीजंस दो, तो सोचो क्या होगा अगर सारे लोग वैसा ही करने लगे और वैसे ही रीजंस देने लगे। तो जैसे समझ लो तुमने अपने दोस्त से उधार लिया और तुम्हें ये बात पता है कि तुम उस पैसे को लौटा नहीं पाओगे, फिर भी तुम अपने दोस्त से प्रॉमिस कर लेते हो लौटा लेने का, तो सोचो क्या होगा अगर सारे लोग ऐसा ही करने लगे। तो प्रॉमिस जैसी क्या कोई चीज़ बचेगी या नहीं बचेगी, यानी प्रॉमिस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और इसी को इमैनुअल कांट ने यूनिवर्सलाइज योर मैक्सिम बोला। वो कहते हैं एक्ट ओनली ऑन द मैक्सिम वेयर बाय यू कैन एक्ट एट द सेम टाइम विल दैट इट शुड बिकम अ यूनिवर्सल मैक्सिम। और दूसरा प्रिंसिपल ये है कि कभी भी किसी को भी मीन्स की तरह इस्तेमाल मत करो, ट्रीट देम एज एंड्स। प्रॉमिस वाले एग्जाम्पल में तुम्हें दिखाई देगा कि तुम अपने दोस्त को एज अ मीन्स इस्तेमाल कर रहे हो, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। इसी पर इमैनुअल कांट कहते हैं आई से दैट मैन एंड इन जनरल वेरी रैशनल बींग एग्जिस्ट एज एन एंड इन हिमसेल्फ नॉट मेयरली एज अ मीन्स फॉर आर्बिट्री यूज बाय दिस और दैट विल। Act in such a way that you always treat humanity, whether in your own person or in person of any other, simply as a means, but always as an end. चलो अब चलते हैं अपने पहले example पर। तो सोचो अगर तुमने झूठ बोला चोरों से तो क्या होगा। अगर तुम इस situation पर categorical imperative का पहला principle apply करके देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि अगर तुम इस situation में झूठ बोलोगे और फिर सारी दुनिया अगर झूठ बोलना शुरू कर दे चोरों से, तो झूठ की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। फिर चोर तुम्हारी बातों पर कभी विश्वास ही नहीं करेंगे और झूठ से जो तुम अपने दोस्त को बचा सकते थे आगे चल के कोई नहीं बचा पाएगा। तो तुम ऐसी सिचुएशन में क्या बोल सकते हो? समझ लो चोरों ने तुमसे पूछा कि क्या तुमने इस बंदे को देखा है, तो तुम उससे बोल सकते हो कि हाँ मैंने इसे देखा है, कल मैंने इसे सुपरमार्केट में देखा था। तो यहाँ पर तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने कल उसे सच में देखा था सुपरमार्केट में। यहाँ पे तुमने उसे चोर को मिसलीड कर दिया, इसलिए इसे बोलते हैं मिसलीडिंग ट्रुथ। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। समझ लो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें एक घटिया सी शर्ट गिफ्ट करी जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो तुम उससे ये बोल सकते हो कि मुझे शर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, पर जिसकी वजह से तुम्हारा वो दोस्त नाराज़ हो जाएगा। लेकिन तुम उससे एक और बात बोल सकते हो, तुम उससे मिसलीडिंग ट्रुथ बोल सकते हो। तुम उससे कह सकते हो यारे मैंने तो ऐसी शर्ट कभी देखी नहीं है। तो यहाँ पे तुमने उसे झूठ नहीं बोला, तुमने बस उसे मिसलीड कर दिया। और इमैनुअल कांट की निगाहों में मिसलीडिंग ट्रुथ एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इन फ्यूचर लोग अगर मिसलीडिंग ट्रुथ का यूज़ करने लगे तो फिर हम सबको एडवोकेट की तरह सुनना पड़ेगा, लॉयर्स बन जाना पड़ेगा हमें, कि हमें सेंटेंसेस के बीच में भी सुनना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है, ये हमें क्लेवर बनाएगा। सो need to know